कुंज में आज आम तोड़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि आम सबसे अधिक कौन तोड़ सकता है, आम तोड़ लीला। तो ललिता जी बड़ी चतुर है, सबसे चतुर सखी है लाडली जी की ललिता, और कृष्ण अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो वो भी ललिता ही है, वही उनको सीधा रखती है। जब जब श्री जी को कुछ मान कराते हैं ठाकुर जी, तो ललिता डंडा लेके ठाड़ी हो जाती है श्याम सुंदर के लिए। तो बहुत बहुत चतुर है ललिता, नित्य अपनी लाडली जी की सेवा में नियुक्त रहती है। तो इन्होंने आम तोड़ी और आम तोड़ के अपनी टोकरी में भर लिया, पूरा टोकरी भरी थी आमों की। सोई श्याम सुंदर पीछे से आए और ललिता की टोकरी लेके भाग गए, पूरी भरी आमों की टोकरी लेके भाग गए। पर ललिता भी ऐसी थोड़ी है, ठाकुर जी की सखी है, आज नहीं छोड़ेगी, पीछे भागी श्याम सुंदर के। अब श्याम सुंदर अपनी लेप पीतांबरी पकड़े और धोती पकड़े भाग रहे हैं आगे, कांवरियां गिर पड़ी। पर ललिता ने दौड़ करके ठाकुर जी को झट से पकड़ लिया, और जो उनकी फेट में जो बंशी घुसी थी ना, जिसमें उनके प्राण छुपे होते हैं, वो बंशी को छीन लिया और अपनी दूसरी सखी को पीछे दे दिया कि अब इस काले को ये दे मत दे, हमारे आम तो चुरा के भागा, अब देखते बंशी के बिना कैसे रहेगा। तो बंशी लेकर के बैठ, बंशी छीन ली। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, उसकी सामर्थ्य नहीं हो रही कि एक ललिता से बंशी छुड़वा ले, इतनी सामर्थ्य नहीं हो रही। अब ललिता जी बोली, अच्छा एक काम करो, बंशी चाहिए? श्याम सुंदर बोले, हाँ, इसके बगैर तो हमको नींद ही नहीं आती, सोते तब भी हमारी तकिया पे हमारे संगी सोती है बांसुरी, इसके बगैर ना भोजन ना पानी ना कुछ नहीं सुहाता हमें। अच्छा तो एक काम करो, अगर आपको बांसुरी चाहिए तो हमारे साथ आम तोड़ प्रतियोगिता करो, जीत गए तो बांसुरी आपकी, और अगर नहीं जीते तो आपको सखी बन करके हमारी स्वामिनी के सामने नाच के दिखाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? तो हमारी स्वामिनी के सामने आपको नाचना पड़ेगा, और जीत गए तो बांसुरी आपकी। ठाकुर जी बोले, ठीक है चलो करते हैं। अब ललिता और ठाकुर जी में प्रतियोगिता चल रही है आम तोड़ने की। ठाकुर जी ने पूरे जोर लगा लिए आम तोड़ने के, कि ललिता से ज्यादा हम बीन ले, खट्टा कर ले, पर आज तो ठाकुर जी को कुछ और ही लीला करनी थी। सो सारे आम बीने लेकिन ललिता के ज्यादा हो गए, ललिता जी जीत गए। अब श्याम सुंदर, अब सखी बनो चलो। अब इनको थोड़ी लज्जा आई कि अरे इतनी सारी सखियों के सामने हम सखी बन के नाचते, भाई अच्छे लगेंगे लहंगा परिया पहन के। सो दौड़ के भागे और कहीं जाके छुप गए निकुंज, सखी ना बनना पड़े ये सोचने के कार छुप गए। अब छुपे तो श्री जी को आके ललिता ने बताया कि श्री जी श्याम सुंदर हार गए पर छुप गए। अब तो श्री जी व्याकुल हो गए, कहाँ चले गए, अरे ललिता ऐसी शर्त ही क्यों रखती है जो श्याम सुंदर को जाना पड़े, तू कितनी बावरी है, कितना कष्ट देती है श्याम सुंदर, जा ढूंढ के ला। अब तो पूरे निकुंज में हल्ला मच गया, ढूंढो ढूंढो श्याम सुंदर से क्षमा मांगो। तभी श्याम सुंदर प्रकट होके बाहर आ गए और श्री जी के सामने खड़े हो गए। श्री जी देख के एकदम प्रसन्न हो गए। अब श्री जी ने कहा, नहीं नहीं श्याम सुंदर सखी नहीं बनेंगे। ललिता बोली, श्री जी आप तो पक्षपात कर रही हो, ये तो ठीक नहीं है। अरे अगर श्याम सुंदर आपके तो हम भी तो आपकी हैं, आपको हमारा भी तो भान रखना चाहिए, हम जीती हैं, शर्त रखी गई थी। तो अब पिघल तो तुरंत जाती है श्री जी, अच्छा अच्छा ठीक है चलो तुम जीत गई, तुमको ये बांसुरी अब कृष्ण को देनी पड़ेगी।
ठीक है, बांसुरी कृष्ण को दे दी। लेकिन हे श्याम सुंदर, अब आपको ललिता को प्रसन्न करने के लिए एक बार नृत्य तो करके दिखाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है कर लेंगे, पर हमारी भी शर्त है कि हमारा श्रृंगार आप करोगी, तब हम नृत्य करेंगे। तो आज ठाकुर जी को श्री जी ने सजाया है, उनका श्रृंगार किया है और सुंदर उनको श्रृंगार करके श्री जी के सामने ठाकुर जी नृत्य करने लगे हैं। और यमुना के पुलिन पर सारी सखियां खड़ी हैं और ठाकुर जी श्री जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। श्री नंददास जी कहते हैं, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। कालिंदी यमुना जी का तट है और श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। हो देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। काछनी किंकणी पीतांबर चटक, काछनी किंकणी पीतांबर चटक, काछनी किंकणी पीतांबर चटक, काछनी किंकणी कटी पीतांबर चटक, देखो देखो तत कालिंदी, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। तत्तथई शब्द सकल घट, तत्तथई तत्तथई शब्द सकल घटे, तत्तथई शब्द सकल घटे, तत्तथई तत्तथई शब्द सकल घटे। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, निरतत कालिंदी तट। हाथ में है वेणु बंशी और बंशी में किसका नाम पुकार रहे हैं? नंददास जी कहते हैं, thank you.
श्याम सुंदर आज सखी बन के तत्ता थई श्री जी के सामने आज अपनी नृत्य की कला दिखा रहे हैं। यद्यपि ब्रज भाव में कई सारे ऐसे पद हैं जिसमें खूब कहा गया है कि जो ठाकुर जी इन्होंने नृत्य भी तो राधा रानी से ही सीखा है, उन्होंने ही सिखाया है नृत्य की कला। अब वो अलग बात है कि उन्हीं से सीख के उन्हीं के सामने अखड़ दिखा के इतराते डोलते हैं, पर श्री जी कभी कभी इनकी अकड़ उतारने के लिए थोड़ा सा अपना नृत्य जब मोर कुटी पर इनको दिखाती हैं तब ठाकुर जी का हृदय एकदम गदगद हो जाता है। ये हम तो कछु ना जाने, जो हमारी श्री जी जाने, सारी कला तो इन्हीं में भरपूर है। तो आज श्री जी ने दोनों को ही खुश कर दिया, ललिता भी राजी हो गई, ललिता को भी हारने नहीं दिया। और इसका ये भी भाव है कि जो श्री जी के शरणागत हो जाता है ना, उसको श्री जी कभी हारने नहीं देते हैं। चाहे उनको कन्हैया को नचाना ही क्यों ना पड़े, नचा देंगी पर हारने नहीं देंगी।